नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके रियल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भारतीय रेलवे कोरोना काल में कैसे नए नए उपाय कर रहा है जिससे कि वह पूरे रेलवे सिस्टम को प्राइवेट कर सके। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट से पुनर्गठन की मंजूरी मिलने के बाद रेलवे पहले ही अपनी 8 सेवाओं को एक केंद्रीय सेवा, जिसे भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के नाम से जाना जाता है, एकीकृत करने के तौर तरीकों पर काम कर रहा है। इसी को लेकर विभिन्न जोनों की ओर से अभी भी प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं और अभी इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सरकार का जो मन है उस हिसाब से सरकार भारतीय रेलवे को पूरी तरह से प्राइवेट कर देगी। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेल नेटवर्क में बेहतर कार्य प्रबंधन संभव हो सकेगा। कैसे, यह नहीं पता। खैर, प्रस्ताव में अकाउंट्स, कॉमर्शियल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पर्सनल, ऑपरेटिंग, स्टोर, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन आदि विभागों के प्रमुख पदों को समाप्त कर इन्हें दूसरे विभागों में मर्ज कर दिया गया है। एक प्रस्ताव ऐसा बनाया गया है जिसमें एयरलाइनों की तर्ज पर टिकटों की प्रिंटिंग भी नहीं की जाएगी, यानी यात्रियों को अपना टिकट मोबाइल पर ही मिल जाएगा। उन्हें सिर्फ कुछ अपवाद स्वरूप केस में ही टिकट प्रिंट करने की इजाजत रहेगी। प्रस्ताव ये है कि स्टेशन मास्टर अब अपने काम के अलावा सिग्नल मेंटेनर का काम भी करें और रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ कर्मी या ट्रेन पर चलने वाले जो टेक्नीशियन होते हैं वो टिकट चेकिंग का काम करें। दरअसल दोस्तों, यह प्रस्ताव रेलवे के अपने कर्मचारियों के अधिकतम उपयोग किए जाने की एक कड़ी है। यानी रेलवे यह सोचता है कि कर्मचारियों को अगर हम अदल बदल कर काम कराएंगे तो उससे कर्मचारी ज़्यादा काम करेंगे। कुल मिला के जो सोच प्राइवेट कंपनियों की या एक पूंजीपति की होती है, वही सोच रेलवे की है। कई जोनों का सुझाव तो यह है कि कुछ ऐसे कामों को आउटसोर्स किया जाना चाहिए जो रेलवे का काम ही नहीं है, यानी सफाई कर्मचारी और स्टेशनों की इमारतों का रख रखाव। दोस्तों, रेलवे अभी वर्तमान में अपनी एक पूरा सिस्टम बनाए हुआ है। जो ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव चाहते हैं कि रेलवे अपने उस पूरे सिस्टम को तोड़ दे जिससे रेलवे को खंड खंड कर कर उन्हें बेचा जा सके। दोस्तों, रेलवे भारत की लाइफ लाइन है, यानी जीवन रेखा है। ऐसे में यह एक सस्ती और अच्छी सेवा अगर बंद हो जाती है तो कितना नुकसान होगा, इसका सिर्फ एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना काल में जब ट्रेनों का संचालन बंद किया गया तो किस तरह से मजदूर और आम आदमी महंगे सेवा का उपयोग न करके पैदल जाना पसंद किया और इसमें कई तरह की परेशानियाँ आई और कई लोगों की मौत भी हुई। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वो भी एक सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कितना ज़रूरी है। लेकिन रेलवे की ये मंशा है कि इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी निचोड़ के मुनाफा कमाया जाए और इसीलिए वो लगातार नए नए कवायद कर रही है जिससे कि उसे प्रॉफिट हो और यह पूंजीपतियों के हाथ में बिक जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो उससे किसको नुकसान होगा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।